दोस्तों आज मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने आईफोन में या फिर किसी भी फोन में कैमरा लेंस कैसे लगा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसे लेना बहुत ही बड़ी बात नहीं है, इसे लगाना बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, क्योंकि अगर जरा सा भी मिस्टेक हो गया तो मतलब पैसे की बर्बादी हो जाएगी। तो आज मैं आपको बहुत ही बारीकी से बताऊंगा कि आप अपने फोन में कैमरा लेंस कैसे लगा सकते हो। तो इस वीडियो को दोस्तों आप ध्यान से देखो, बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं टेक्निकल एक्सपर्ट बाबा यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, हम अपने आईफोन के कैमरे में इसे लगा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आईफोन 13 और आईफोन 13 मिनी के लिए है, लेकिन अगर आप अपने फ़ोन के लिए देखना चाहते हैं तो ऑनलाइन आप देख सकते हैं, आपको 250, 300 या फिर 350 का आपके फ़ोन के लिए मिल जाएगा। ओके, बहुत ही बढ़िया चीज़ है और आपका जो कैमरा है फ़ोन का वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट रहता है। तो यहाँ पर हमें उससे पहले क्या करना होगा, हमें अपने फ़ोन के कैमरा को क्लियर करना होगा, नहीं तो अंदर अगर डस्ट रह गया तो जो फोटो है वीडियो है वो क्लियर नहीं आ पाएगा। तो उससे पहले दोस्तों यहां पर आपको एक के वाइप लेना होगा। ओके, आपके इसके साथ जो है वो मिल जाता है, अगर नहीं मिलता है तो ये आप जो है वो अपने मार्केट से, लोकल मार्केट से खरीद सकते हैं, ये आपको मिल जाता है। ओके, यहाँ पर ये है ड्राई और वेट। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वेट जो वाइप्स है उसे फाड़ेंगे और अपने फ़ोन के कैमरे को साफ करेंगे, नहीं तो अंदर डस्ट रह जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है वो पेपर है वाइप। तो इससे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने फ़ोन के कैमरे को साफ़ करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से आपको साफ़ करना होगा, ज़रा सा भी डस्ट नहीं रह जाए, नहीं तो फ़ोटो जो है वो बहुत ही गंदा आएगा। जो है यहाँ पर साइड में भी आपको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, साइड में जो रहता है साइड में भी अच्छी तरह से आपको क्लियर कर लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर ड्राई वाइप है, इससे भी हम क्लियर कर देते हैं, ताकि अगर पानी वगैरह रह गया हो तो ये आसानी से उसे जो वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले। तो सबसे पहले हम इसे फाड़ेंगे और इसे अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। याद रखना है आपको, ज़रा सा भी आपके फ़ोन के कैमरे पर डस्ट नहीं रहना चाहिए, चाहे ये साइड में रहता है, इधर भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो डस्ट अगर साइड में रह गया तो आपका जो फिल्म है, लेंस है, वो नहीं बैठ पाएगा। ओके, तो अच्छी तरह से आप क्लियर कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पर मैंने कैमरे को क्लियर कर दिया है, उसके बाद यहाँ पर हम इसे ओपन करते हैं। ओके, इसमें दो कैमरा है तो दो यहाँ पर कैमरा फिल्म मिला है, तो ये हम इसे ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये जो है वो मिलता है हमें। ये दोस्तों आपको हर एक कलर में अवेलेबल मिल जाएगा, अगर आपका फ़ोन का कैमरा कुछ अलग कलर में है तो आप दूसरे कलर में आप देख सकते हैं, हर एक कलर में अवेलेबल होता है, ग्रीन, वाइट, ब्लैक, हर एक कलर में आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम अपने फ़ोन के कैमरे में एक लगाते हैं। तो यहाँ पर इसे निकालना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, ये देखिए कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर आपको जैसे ही आप इसका जो स्टिकर है वो निकालेंगे, वैसे ही आपको चिपका देना होगा, इसके अंदर आपको अपना हाथ नहीं डालना होगा, इसके अंदर हाथ नहीं डालना होगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले इसके ऊपर का स्टिकर हम निकालेंगे। तो ये यहाँ पर आप दोस्तों देख लीजिए कि कुछ इस तरह का ये जो है वो लेंस है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपने कैमरे पर लगाएंगे इसे। उससे पहले यहाँ पर अपने कैमरे को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे, अगर डस्ट वगैरह पड़ा होगा तो ये साफ़ हो जाए। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर हम अपने फ़ोन के कैमरे पर इसे लगा देते हैं, बहुत ही धीरे धीरे, आसानी से। ओके, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर कैमरा पर लगा लिया और ये अच्छी तरह से बैठ चुका है। ओके, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अच्छी तरह से ये बैठ चुका है, और यार पहले से काफ़ी ज़्यादा कैमरा जो है बोल्ड लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है कैमरा देखने में। ये अभी इसमें नहीं चिपका हुआ है तो ये आप देख लो, और अभी मैंने इसमें लगाया तो ये आप देख लो, तो पहले से काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रहा है। ओके, अब चलिए हम सेकेंड वाले कैमरे में इसे लगा देते हैं। तो सेकेंड कैमरे के लिए भी है तो इसे भी हम लगा देते हैं। तो उससे पहले हमें इसे निकालना होगा और इसके अंदर से, और इसके ऊपर जो है वो स्टिकर मिलता है तो ये आपको सबसे पहले हटाना होगा इसे, और फिर उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, कैमरे को अच्छी तरह से फिर से क्लियर कर लेना है, ताकि अगर डस्ट वगैरह पड़ गया हो तो वो साफ़ हो जाए। ओके, ये ज़रूरी है करना, नहीं तो एक बार लगाने के बाद फिर से आप सोचोगे कि अंदर डस्ट रह गया तो फिर से उखाड़ कर चिपका देंगे, तो ऐसे नहीं होगा, इसका जो गोंद है वो ख़त्म हो जाएगा फिर। ओके, तो यहाँ पर देखिए बहुत ही आसानी, धीरे धीरे आपको लगाना होगा, इसके अंदर आपको हाथ नहीं डालना है, नहीं तो इस पर फिंगरप्रिंट आ जाएगा। यहाँ पर चलिए लगा लेते हैं इसे भी,
और ये बहुत ही सिंपल तरीके से मेरा ये भी लग चुका है। और चलिए इसे भी हम क्लियर कर देते हैं। और ये आप देख लो सकते हो यहाँ पर पहले से मेरा जो आईफोन का कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड लग रहा है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो कुछ इस तरह से आप अपने किसी भी फ़ोन में कैमरा लेंस को लगा सकते हो, सभी फ़ोन के लिए अब आ चुका है। मैंने यहाँ पर अपने जो है सैमसंग S22 अल्ट्रा में भी लगाया है, आप लोग देख सकते हो S22 अल्ट्रा में भी मैंने जो है वो यही कैमरा लेंस लगाया है। 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर 5 लेंस आया था, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था अमेजोन से, 350 का मिला था। तो आप अपने फ़ोन का देख लीजिएगा कि आपके फ़ोन का मिल रहा है या फिर नहीं और कितने प्राइस का मिल रहा है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि कैमरा लेंस को कैसे लगा सकते हैं अपने फ़ोन में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिएगा। और हाँ, कॉमेंट सेक्शन में आकर अपना ओपिनियन या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हो ताकि मुझे पता चल सके कि आपने हमारे वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया है।